हाय फ्रेंड, दिस इज सर्वेश। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फाइनेंस। टीम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि कई सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर के मैसेज भी आ रहे हैं, सर पीएसयू स्टॉक के बारे में बताइए। गवर्नमेंट कंपनियां जो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही हैं, अब क्या होगा इनमें और कैसे क्या इनमें ट्रेड किया सकता है या फिर क्या करें? तो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज। आपको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एक बिग क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ फेवर में बोलूंगा या फिर सब कुछ अलग बोलूंगा, बट एक बिग क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ से आप इस क्लैरिटी को लेके अपना डिलीजेंस करने के बाद अपना डिसीजन बना सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड डिस्क्लेमर रहेगा, यहाँ पर मैं कई सारी कंपनियों के बारे में बात करूंगा, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप उन कंपनी को शेयर को खरीदें या बेचें। आपको जो भी कुछ करना हो प्लीज आप अपना डिलीजेंस करिए। सो पीएसयू के बारे में अभी क्यों ज्यादा पूछा जा रहा है, उनकी सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट बन रही है, नई गवर्नमेंट एनडीए की नई गवर्नमेंट जो बन रही है वो डिपेंडेबल ज्यादा रहेगी, बिकॉज बीजेपी अपने आप में मेजोरिटी में नहीं आई है, एनडीए के साथ ही वो मेजोरिटी में है, चाहे वो बात करें बिहार से नीतीश जी की या फिर चंद्रबाबू नायडू जी की। तो इन दोनों के कोलोबरेशन के साथ, सपोर्ट के साथ ही गवर्नमेंट बनेगी। तो जैसा कि मोदी जी चाह रहे थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एक रेवोल्यूशन करने के लिए, तो शायद अब मुझे ऐसा लगेगा उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, बिकॉज अब गवर्नमेंट के फोकस भी अलग हो जाएंगे और गवर्नमेंट अब ऐसे नहीं है कि खुले आज़ाद से अपने मन से जो काम करना चाहे वो कर पाए, कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा और बायर्स कंफर्मेशन जरूर लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं क्योंकि दिक्कत बहुत है, बिकॉज गवर्नमेंट चलाना बिल्कुल सिंपल नहीं रहेगा, बिकॉज दूसरी पार्टी भी चाहते हैं कि हम सब मिलके एक पार्टी बना लें, गवर्नमेंट बना लें, तो ये कंसर्न का मैटर जरूर रहेगा। सो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉकों में थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। अगर हम बात करें पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, चाहे वो पावर ग्रिड हो, भारत पेट्रोलियम हो, एनटीपीसी हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, एनएचपीसी हो, ऑल इंडिया हो, कोल इंडिया हो, आरईसी हो, पावर फाइनेंस हो, इंडियन रेलवे हो, एमएमटीसी हो, हाउसिंग हुड़को हो, कोई भी कंपनी हो, एनसीएल, ये सारे स्टॉक भग चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल चुका है इन लोगों में। हाँ, कुछ अभी नए बायर हैं तो बात अलग है कि उन्होंने अभी खरीदा होगा कि जैसी गवर्नमेंट बनेगी तो ये स्टॉक भागेंगे। तो कभी भी ऐसा बिल्कुल कभी मत करना चाहिए कि जो हम किसी न्यूज के बेस पर कुछ चीज़ें खरीद लें। हमेशा मैं बोलता हूँ न्यूज के बेस पर कुछ नहीं खरीदना चाहिए, हमको कुछ थोड़ा समझना चाहिए, फिर वी कैन अंडरस्टैंड। स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगा और स्टॉक मार्केट हमेशा ग्रोइंग स्टोरी प्ले आउट करता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट बनेगी इससे और ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इन कंपनियों पर फोकस अब कम हो जाएगा, बिकॉज इन चीजों को जैसे वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं या फिर अपनी शेयर होल्डिंग कम करने की बात कर रहे हैं, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा और ये कंपनियां अभी एक स्लो डाउन में जाने वाली हैं। दिस इज माय थिंकिंग प्रोसेस, आप अपना सोच सकते हैं, बिकॉज इन कंपनियों में जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और उनमें जिस तरह से काम कराया जा रहा है, जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी, कहीं ना कहीं अब वो उस प्रेशर लेवल से काम नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी भी कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा। तो ये कंपनियों में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब यहाँ से जितना रिटर्न मिल चुका है उतना रिटर्न मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आप इन सबको बेच के छोड़ जाइए, बेच को भाग जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है कि मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अब चलेंगी, बिकॉज अब गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा वो पब्लिक की तरफ रहेगा, चाहे वो टैक्स को कम करना हो या फिर नौकरी को ज़्यादा देना हो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अगर हम इनमें इन सब कंपनियों में, गवर्नमेंट कंपनी में जब नौकरी बढ़ेगी तो इनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और खर्चे भी बढ़ेंगे, तो इनकी नॉट प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम होगी, बिकॉज गवर्नमेंट को आने वाले जो विधानसभा के चुनाव भी होंगे उनमें भी फोकस रहेगा। अगर एक जगह अगर उनको मार पड़ी है तो कहीं ना कहीं इन गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में रोजगार जनरेट करने पड़ेंगे और पब्लिक के बारे में सोचना ज़्यादा पड़ेगा, ना कि एक तरह से एक अपनी मनमर्जी टाइप की चलाते थे। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं चलाते थे, कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रूल्ड आउट किया गया है, इसलिए ही एक मैसेज दिया है पब्लिक ने, और उस मैसेज को जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सब वेल नोन है, सब जानती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो, अभी उनमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नज़र आएगा। अगर हम यहाँ पर बीएससी के जो कुछ लिस्टेड कंपनियाँ देखें, तो इनमें कोई भी कंपनी ले लो, यहाँ पर तकरीबन ये मुझे 55-56 के आसपास कंपनियाँ दिख रही हैं, सब में स्लो डाउन है, सब में अच्छा खासी गिरावट आई है, और 15-16%, 10%, 20% नॉर्मल रही है।
तो यहाँ से स्टोरी इतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी अच्छी जानी चाहिए। हाँ, पर इन कंपनियों में से बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो मार्केट लीडिंग कंपनियाँ हैं और वो धीरे धीरे ट्रेड करेंगी। मैंने गवर्नमेंट कंपनियों पे कभी ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं है बेसिकली, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं वो नेशन को सर्व करने के लिए बनी है, ना कि अब वो बिजनेस करने के लिए बनी। कहीं ना कहीं ये चीज़ है, अगर आप समझ लें कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो सबसे पहला उसका काम होता है कि टू सर्व द नेशन, नेशन को सर्व करना, अपनी पब्लिक या जो भी कुछ डिमांड है उनको पूरी करना, नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात बाद में करना। बट जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो कंपनियां आज की काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, या फिर उनको एक अलग लेवल हायर लेवल से काम कराया जाता तो उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी और साथ साथ में रोजगार उस तरह से जनरेट नहीं हो रहे थे इन सब कंपनियों में भी। ये भी एक कंसर्न रहा है, पर देखा नहीं गया ना कि बताया गया। पर जब ये सब चीज़ें चलेंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है इन सब में भी रोजगार आएंगे और रोजगार अब उनको जनरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत तो होगी। बिकॉज मैसेज दे दिया है पब्लिक ने कि ऐसे काम नहीं चलेगा, टैक्स पेयर ने भी मैसेज दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज उनके बारे में सोचेंगे नहीं तो फिर कोई दूसरा सोच लेगा। इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग देमसेल्फ तो कोई और आपके बारे में सोच लेगा। हमेशा बोलता हूँ मैं कि अगर आपको सोचना पड़ेगा, यू आर करता रहता तो आपको थिंक अबाउट करना पड़ेगा। सरकार पालन हारी या पालन पिता की तरह काम करती है तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सबका ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ें कम होगी, बिजनेस बढ़ेगा और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट भी काफ़ी कुछ अच्छा करेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर गवर्नमेंट के कुछ और टारगेट रहते हैं उससे स्टॉक मार्केट ग्रो करती है। मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट तब भी ग्रो करेगा और शायद थोड़ा बहुत अच्छा ही ग्रो करे। एंड ये गवर्नमेंट कंपनियां थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि स्लो डाउन में जाएंगी। इनके पीवी हाई हो चुके थे, चाहे वो अगर इन कंपेरिजन हो, अगर हम बात करें बैंक्स के बारे में बात करें तो इनके जो पी थे वो प्राइवेट बैंक के इक्वल आ चुके थे और प्राइवेट बैंक वहीं पर पड़े थे। तो मुझे ऐसा लगता है अब जो बैंकों बैंकिंग सेक्टर है जो वो प्राइवेट बैंकों के शेयर काफ़ी अच्छे मूव करेंगे, चाहे वो कोई HDFC हो या फिर कोटक बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो। तो ये एक यहाँ से स्लो डाउन आता हुआ नज़र आएगा आपको। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो मैंने देखा है कि आज थोड़ा सा मार्केट में रिकवर करने की कोशिश की है PSB बैंक ने, तो बट मुझे लग रहा है सब सेंटीमेंट है, बट ज़्यादा नहीं जा सकता बिकॉज ऑलरेडी प्राइवेट बैंक के पी के इक्वल आ गया। तो इस तरह से अब सर्व नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले सर्व कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो थोड़ा सा इनका ब्रेक लगता हुआ नज़र आएगा। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करेंगे देन यू विल कम टू नो कि वास्तव में ये सब चीज़ें हैं। और कई सारे लोगों ने ये भी पूछा था, सर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आपका क्या व्यू है? तो मेरा व्यू, मैंने एक बार पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में वीडियो बनाए थे, तब से बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था और आई जस्ट एग्जिट में वहाँ से निकल गया था। फिर मैंने उसके बारे में कोई वीडियो बनाया भी नहीं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, और बहुत कम बनाता हूँ क्योंकि उनका काम होता है टू सर्व नेशन। गवर्नमेंट कंपनियाँ हो चाहे बैंक हो, उनका सबसे पहले काम है पब्लिक की सेवा करना, उसके बाद उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी आती है, बिजनेस में वो बाद में आ रहे हैं। और इस फोकस को इस गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट थी उसमें चेंज बदला कि भाई आप बिजनेस करो, पैसे कमा के दो। तो पैसे कमाने के गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जरिए हैं और ये नेशन है, इनको कंपनियों को सर्व करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये कंपनियाँ मुझे नहीं लगती कि अब ज़्यादा ऊपर जाएंगी। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन लगे रहेगा, कुछ कंपनियां अच्छी काम कर रही हैं वो ऊपर जाएंगी, बट अगर उनके पी ज़्यादा हायर वैल्यू पे पहुंच गए, नेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना चाहिए, तो वो शायद उतने पे ट्रेड नहीं करें। प्राइवेट बैंक्स एंड प्राइवेट कंपनियां काफ़ी ग्रो करेंगी जो नीचे चार पाँच तीन चार साल के प्राइस पे पड़ी हैं, वो अब ग्रो करेंगी। स्टॉक मार्केट में यही होता है, वहाँ से पैसा शिफ्ट होकर इधर जाएगा तो ये बूम करेंगे। सो आई होप आपको ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कंपनी हो आप ट्रैक जरूर करना, इन सब चीज़ों को स्टडी करना, बिकॉज ये अगर हम स्टॉक देखे जाए तो मैंने अभी 45 बताया, यहाँ पे बहुत सारी दिख रही, इन सब के आप फाइनेंशियल देखना, बिजनेस देखना और नेट प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना और फिर उनके स्टॉक में रिटर्न देखना कि एक साल में दो साल में कितना रिटर्न मिला है और पास्ट में कितना मिला है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिकॉज PSU के बारे में मेरा मन था वीडियो बनाने का, बट ये न्यूज़ भी आ गई, ये सब चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए, तो मुझे अब नहीं लगता कि अब ये सब चीज़ें इतनी आसानी से प्ले आउट होती हुई नजर आएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और यू कैन आप मेरे से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप के द्वारा, 9826287440 है नंबर है मेरा, यू कैन व्हाट्सअप मी एंड मैं वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। एंड उससे क्या होता है कि आपकी जो समस्या होती है वो इमीडिएटली सॉल्व होने की तरफ जाती है। तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, एक लाइन हमेशा याद रखिए, सब संभव हो जाएगा, मन नहीं घबराएगा। उसकी सीधी सी थिंक लाइन ये है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बाय बाय।